हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वी वर्सेटाइल। आज मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ वाया के टिफ़िन का, जो कि मैंने 6 महीने पहले परचेस किया था। इसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो लिंक में मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो आज मैं बताऊंगा इसका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, देखते हैं ये 6 महीने बाद आज किस कंडीशन में है। अभी दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और अभी कोई दिक्कत नहीं आई है बैग में, और जिप भी अच्छी है और क्वालिटी भी सही लग रही है मुझे। अब खोल के इसको बताते हैं। तो ये है कैमियो फ्लेक प्रिंट वाला वायर टिफ़िन। ये टिफ़िन मैंने 1000 ml साइज़ में परचेस किया था, जिसमें कि मुझे 3 बॉक्सेस मिले। आप चाहे तो इसको 600 ml वाले साइज़ में भी परचेस कर सकते हैं, उसका प्राइस थोड़ा कम भी है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जितना ज़रूरत हो आप उस साइज़ का। मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैंने 1000 ml वाला परचेस किया। यहाँ पे इसको साइड में थोड़ी सी ये इसका थोड़ा ब्रांड नेम थोड़ा सा ब्लर सा हो गया है, मे बी कहीं डिश वॉश में या और किसी चीज़ से हो गया होगा। बाकी इसका हैंडल और इसकी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बिल्कुल अभी भी नए के जैसा ही है। और इसका जो प्रिंट है, इसका प्रिंट भी नहीं निकला है, ना ही कहीं से कोई इसका कलर निकला है, बिल्कुल सही है। और नीचे का प्लास्टिक भी बिल्कुल सही है, कहीं से कोई स्क्रैच नहीं आए हैं। और जिसका जो लॉकिंग सिस्टम है वो भी प्रॉपरली वर्किंग है, बहुत स्मूथ है, जैसा कि फर्स्ट टाइम में आया था। इस साइड का भी चेक कर लेते हैं, ये भी बढ़िया है और इसकी शाइनिंग भी अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई जंग नहीं लगा है बिल्कुल, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील में है, जो कि चेक भी हो गया है अब कि बिल्कुल स्टेनलेस स्टील है। तो देखते हैं, ये टिफ़िन का सबसे मेन पार्ट है, ये है वैक्यूमेटेड इसका कंटेनर है। सबसे ज़्यादा वेट इसी पोर्शन का है जो कि काफ़ी हैवी है, क्योंकि पूरा जो काम हीटिंग का है, आपके खाने को जो गर्म रखता है, वो इसी वजह से ही होता है। ये पूरा आपको एक इंसुलेशन देता है ताकि जो खाने की हीट है वो बाहर ना जाए और खाना लंबे समय तक गर्म रहे। और ये जो मैंने आपको बताया था 3 बॉक्सेस वाला जो सिस्टम है, इसमें एक बड़ा बॉक्स मुझे मिला है और 2 छोटे बॉक्स मिले हैं। देख लीजिए, इसमें एक बड़ा बॉक्स आपको अलग ही दिख रहा है और ये 2 छोटे बॉक्स आपको साइज़ में दिख जाएंगे। तो अभी ये देखते हैं कि इनकी क्या सिचुएशन है। सिर्फ देखने में तो बढ़िया लग रहे हैं, अभी कोई इसमें कहीं से कोई स्क्रैच या कहीं कोई रस्टिंग या कोई कुछ नहीं आया है। ये देखिए, ये बड़ा वाला बॉक्स है, ये 400 ml का है, और ये छोटा वाला है ये 300 ml का है, और ये एक और 300 ml का है। तो टोटल ये 1000 ml का टिफ़िन हो गया। ये देखिए, इसका जो लीड है ये भी बहुत ही अच्छे से ओपन हो रहा है और बहुत ही इजीली लॉक हो जाता है। इसमें बहुत ही ध्यान में रखते हुए इसकी लॉकिंग सिस्टम भी बहुत अच्छे से दिया गया। ये जो चीज़ है पार्टीशन, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में डिटेल में। अभी आप इसका जो टिफ़िन का जो इनर जो पोर्शन है वो देखिए, इसमें बिल्कुल भी कोई निशान नहीं आया है, ना ही कोई दिक्कत आई है, बिल्कुल जैसा फिनिश आया था वैसा अभी तक बना हुआ है। और बिल्कुल अंदर का जो मटेरियल है वो भी इतना अच्छा दिया हुआ है ताकि इसमें कोई भी आप जो खाना रखते हो वो स्टिक नहीं होता है, मतलब खाना इससे इजीली आप वॉश कर सकते हो उसको, इसमें चिपकता नहीं है। छोटे वाले और बड़े वाले दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो, 300 ml और 400 ml। मेरे लेफ्ट हैंड में छोटा वाला साइज़ है और राइट में बड़ा वाला साइज़ है, तो आप देख सकते हो इजीली, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा है। तो ये दोनों ही बॉक्सेस अभी तक अच्छे हैं। और इन 3 बॉक्सेस में ये जो पार्टीशन आए हुए हैं, ये जो है ये
एक प्लास्टिक, जो प्लास्टिक होता है उससे बने हुए, इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इसका जो ये रबर है, ये रबर जो है ये इसकी जो पार्टीशन को लॉक करके रखता है। इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए किस तरीके से आपको डाउन करके ट्विस्ट करके इसको पार्टीशन को यूज़ करना है। इसको आप नीचे रख के, लेफ्ट साइड या राइट साइड जैसे भी रख के, इसको बस आपको स्ट्रेट करना होता है ताकि ये उसमें लॉक हो जाए। इस तरीके से इसको पूरा टाइट कर दे, स्ट्रेट कर दे तो ये लॉक हो जाएगा। और आप इसको दो पार्टीशन की तरह यूज़ कर सकते हो। आपको अगर कोई सब्ज़ी रखना हो, चावल रखना हो, या सेपरेटली कोई आपको नमकीन रखना हो, फ्रूट रखना हो, सैलेड रखना हो, दो अलग अलग पोर्शन में रखना हो, तो इसका भी ध्यान रखा गया है। और इसमें आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। मैं जब से यूज़ कर रहा हूँ इसमें कोई लीकिंग प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पार्टीशन इसमें हो जाता है। चाहे आप इसमें कोई ग्रेवी ही सब्ज़ी क्यों ना यूज़ करें। और जैसा कि आपने देखा है, इसका ये जो नीचे का जो बेस है, इस बेस की भी बहुत इम्पोर्टेंस है ताकि पूरा टिफ़िन इसी के ऊपर रहता है, तो इसकी क्वालिटी भी मैटर करती है। ये देखिए, इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छा प्लास्टिक है। ये अभी तक कुछ नहीं हुआ है, एक दो बारी गिरा भी है, बाकी इस पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं आपको कोई निशान या कुछ दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही हार्ड प्लास्टिक है। और नीचे भी वाया की आपको ब्रांडिंग दिख जाएगी, नीचे वाया का लोगो लगा हुआ दिखेगा। और यह अच्छा सा प्लास्टिक है और अभी बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। वैसे तो स्टिफ़न में 4 से 5 घंटे तक इजीली आपका पूरा खाना गर्म रहता है, पर अगर आपको इसको और ज़्यादा समय तक खाना गर्म रखना है तो आप इस कंटेनर में थोड़ी देर तक गर्म पानी रख के रख लेंगे 10 मिनट, ताकि ये ज़्यादा समय तक आपका खाना गर्म रख पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि मैंने यूज़ करी थी, तो जिससे ज़्यादा समय तक खाना आपको विंटर्स में गर्म मिल पाएगा। अब आप बात करते हैं इसके बैक की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो मैंने ये बैग के साथ भी आता है, वो बिना बैग के साथ भी आता है। मैंने ये बैग के साथ परचेज़ किया क्योंकि मुझे और भी चीज़ें ले जानी होती हैं, तो ये काफ़ी हैंडी था और काफ़ी अच्छा भी लगता है बैग के साथ ले जाना। एक्चुअली ये बैग कम आपका ये जो खाना खाने के भी काम आता है। इसका जो मटेरियल है, इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड पूरा वाटरप्रूफ है। जब तक कि मैंने यूज़ किया है, इसमें ना तो अंदर से आपका कोई खाने का ऑयल या कोई लीकेज बाहर आता है, ना ही बाहर से कोई पानी या कोई मटेरियल अंदर इसमें लीकेज अंदर जाता है। तो ये एक तरीके से मैट का भी काम करता है, तो आप इसको बैग का मैट यूज़ करें। इसको इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं खाने का, और इतना बड़ा साइज है कि आपका टिफ़िन इजीली खुल जाएगा। और ये एक सिर्फ में पोर्शन मिल रहा है जो डिटेचेबल है। इसमें आपका छोटा मोटा कोई भी सामान, जैसे चम्मच हो गया, फोक हो गया, या आपको नमक रखना है या और भी कोई भी चीज़ आपको रखनी हो, पेन रख सकते हो। मैं पेन भी रख के ले जाता हूँ इसमें ऑफिस। तो और ये इसमें दो डिटेचेबल पोर्ट दिए हुए हैं, इसे आप लगा सकते हैं इजीली। आप इसको निकाल के धो के भी वापस यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, ये पूरा बैग इजीली वॉशेबल है, आप इसको वॉशिंग मशीन में भी धो सकते हैं, चाहे तो आप हाथ से भी सोप से भी धो सकते हो, और कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने इसको धोया है, और इस तरीके से आप इसको खाना खाने के बाद वापस आपकी मैट को आप ज़िप लगा के आप इसको बैग बना लीजिए। इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ और क्या चाहिए। ये देखिए, ये इसका साइड जो पोर्शन है, ये बहुत ही आपका काम आएगा। अगर आपको पूरा साइड पोर्शन, एक साइड बैग टाइप आपको टांग के जाना है, गाड़ी पे टांग के जाना है, या कहीं और लेके जाना है लंच करने, आपको कैंटीन जाना है, तो ये आप उस हिसाब से आप इसको साइड में टांग के भी जा सकते हैं। और ये जो इसका जो क्वालिटी है, जो स्ट्रिप्स है, ये भी बहुत ही अच्छी, बहुत ही शाइनी है, ब्राउन कलर की, और बहुत ही अच्छा लुक आता है जब आप इसको लेके जाओगे, तो एक अलग ही लुक दिखता है, एक क्वालिटी दिखती है कि आपने कोई सा टिफ़िन लेके जा रहे हैं। और देखिए, आप इसको अगर नहीं ले जाना चाहें तो आप इसको यहाँ से इजीली आप इसको डिटैच कर सकते हैं, और आप सिंपली इस तरीके से हाथ में भी ले जा सकते हैं।
अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद है। वैसे पर्सनली मैं तो इसको पूरा ही यूज़ करता हूँ, पूरा इसको टांग के साइड से एज ए साइड बैग टांग के ले जाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को वी वर्सेटाइल।